हैदराबाद में दीवार गिरने से दो कमसी लड़कियों की मौत। इलाके राजेंद्र नगर में बारिश के बाद कदीम दीवार गिरने के सबब पेश आया अफसोसनाक वाकया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस रुकन कानून साज कविता को नहीं मिली राहत। अदालत ने बीआरएस एमएलसी कविता की दरख्वास्त जमानत किया रद्द। रियासत तेलंगाना को 3 जोन में तकसीम करने का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासत को नंबर 1 बनाने अवामनार से ताउन की अपील। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन का मुस्लिम खानदान के साथ झगड़ा। कार की टक्कर के बाद पेश आया वाकया। बॉलीवुड अदाकारा के रवैये के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाम का सख्त रद्दअमल। रियासत तेलंगाना में हज़ब साबिक तरीके पर ही जारी किए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। मरकजी हुकूमत के मुतारिफ करदा नए कवानीन पर गौर करने से हुक्मरान जमात की खामोशी। सिक्किम असेंबली इलेक्शन के नतीजे का ऐलान। एसकेएम की शानदार कामयाबी। 32 के मिनजुमला 31 हलकों में शानदार जीत। बीजेपी को 1 भी नहीं मिली सीट। 70 लाख से ज़ायद नमाजियों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री का शर्फ किया हासिल। गज़ा के जबालिया कैंप से 120 शहदा के नाशे बरामद। इसराइली अफवाज की जारियत में शहीद होने वालों की तादाद 36,000 से ज़ायद तजावुज। दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के हक़ में मुजाहरों का सिलसिला हनूज जारी। डेनमार्क पेरिस लंदन वदी के शहरों में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे। श्रीलंका में कुदरत का कहर। सैलाब से कई अफराद हलाक। स्कूल कॉलेजेस और तमाम दफातर बंद। आवाम को घरों से बाहर न निकलने की अपील।